और इस बीच भारी बारिश ने अमेरिका के लास वेगस की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। वहां कई दिनों की बारिश में आसमान से इतना ज्यादा पानी गिरा कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और बाढ़ के पानी ने शहरी इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बारिश के बाद लास वेगस की कई सड़कें जलमग्न नजर आईं। मटमैला पानी रास्तों पर जगह जगह इकट्ठा दिखाई दिया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लास वेगस के साथ साथ अमेरिका के ओहायो और मिशिगन राज्यों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। बारिश और बाढ़ के बीच ओहायो में कई लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आई, जिनकी तलाश में कई टीमों को लगा दिया गया है। लेकिन इस घटना में साजिश का एक और एंगल बेलारूस से आई एक तस्वीर से जोड़ दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन को ठिकाने लगाने की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी थी, और अपने इस दावे के पीछे उसने बेलारूस से आई उन सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया जिनमें वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के टेंट उखड़ते दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि बेलारूस में जो जगह वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रहने के लिए दी गई थी उसे रातों रात खाली करा लिया गया, और जिस दिन बेलारूस से वो टेंट हटे ठीक उसी दिन यवगेनी प्रिगोजिन के हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद इसमें किसी बड़ी साजिश का शक जताया जाने लगा। वहीं दो दिन पहले रूस ने अपने एक कमांडर को भी प्रिगोजिन से नजदीकी की वजह से बर्खास्त कर दिया था। यही वजह रही कि पश्चिमी मीडिया इस बात की तरफ इशारा करने लगा कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन की प्लानिंग हो सकती है। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने प्रिगोजिन के अंत की भविष्यवाणी 2 महीने पहले ही कर दी थी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि पुतिन ने ही प्रिगोजिन की हत्या की साजिश रची, जिसकी भविष्यवाणी जून महीने में ही कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि प्रिगोजिन के दिन अब पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश कर पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। वैगनर के विद्रोह के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिगोजिन के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया ने आशंका जताई कि प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप के वजूद पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि 2014 में वैगनर ग्रुप के गठन के बाद से ही प्रिगोजिन इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी मौत के बाद वैगनर ग्रुप का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि इस ग्रुप में अब भी 25,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भारी बारिश के बीच हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सोत नदी में आए उफान की चपेट में आकर एक गाड़ी पलट गई, जिसे निकालने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते दिखे, क्योंकि नदी में आई बाढ़ की वजह से आसपास के इलाके डूब गए। और बताया गया कि इसी दौरान पानी से भरे एक रास्ते को पार करने के दौरान उस गाड़ी के चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस गाड़ी को वहां से निकाला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। कुल्लू से कई इमारतों के साथ जमींदोज होने की जो तस्वीरें सामने आई उनमें उसने लोगों को डरा कर रख दिया। इस वीडियो में एक के बाद एक कई इमारतें चंद सेकंड में भरभराकर गिरती नजर आईं। हालांकि इस घटना से पहले ही उन इमारतों को खाली करवा लिया गया था, लेकिन जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरों में पहले एक इमारत का एक हिस्सा धीरे धीरे टूट कर गिरने लगा और फिर देखते ही देखते वो पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके कुछ सेकंड बाद उसके पास वाली एक और इमारत भी भरभराकर गिर गई, और फिर कुछ ही देर में एक के बाद एक कई इमारतें जमींदोज हो गई, जिनके धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और चिल्लाने लगे। इन तस्वीरों को देखकर वहां रहने वाले लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि चंद सेकंड में वो सभी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई।